गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप ब्रश का रिव्यू। मैंने ये इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। अभी ये जो सेल चल रही थी 18 से 23 दिसंबर के बीच में मैंने उसमें ख़रीदा था। और ये देख सकते हो ये फोकलोर का 10 ब्रशेस का एक किट होता है। ये इसमें 10 ब्रशेस होते हैं और मैं इसको बहुत टाइम से ख़रीदना चाहती थी। इसको विश लिस्ट में रखा था कि कब सेल स्टार्ट हो और कब मैं इसको बाय करूं। वैसे तो इसमें प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर मैंने इसको जब मैंने ख़रीदा, अभी जब मैंने 18 से 23 दिसंबर के बीच में सेल चल रही थी तब मैंने इसको ख़रीदा था। ये मुझे मिला था आई थिंक 750 या 700 समथिंग का कुछ था ये। तो इसके साथ एक बहुत सुंदर सा पाउच है, बहुत अच्छे से पैकिंग में आया हुआ था ये वाला ब्रश किट। चलो देखते हैं कैसे है इसकी क्वालिटी कैसे। देखो इसको सबसे पहले तो इस तरीके से पाउच में था और ये सारे ब्रशेस के जो है सेट है, 10 ब्रशेस मिल जाते हैं आपको, है ना। तो इस तरीके से आपको 10 ब्रशेस मिलेंगे और सब, और इस तरीके से पहले ये तो क्या बोलेंगे, ये अच्छे से कवर होके हुए आए थे। जब ये अभी मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ, अभी मैंने एक भी ब्रश यूज़ नहीं करा है इसका। तो देख सकते हो आप इसमें जितने ब्रशेस थे इस तरीके से ये पैक होके आए थे। देखो सबसे पहला जो ब्रश है ये है, देख सकते हो आप फोकलोर का, ये मैं निकाल रही हूँ आपके सामने। ये देखिए कुछ इस तरीके का एंगल ब्रश है, दिख रहा है आप सबको, ये देखिए इस तरीके का ये एंगल ब्रश है। इससे आप अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हो, अपने आई स्किनर कॉर्नर को सेट कर सकते हो। अच्छा इसकी अगर उसकी बात करें तो ये ना मतलब ऐसे नहीं लग रहा, जो लोकल वाले ब्रशेस होते हैं ना उनमें वो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो निकलते रहते हैं, पर इसमें ये चीज़ें नहीं है। मतलब मेरे पास एक और एंगल ब्रश है, आपको मैं दिखाती हूँ ऐसे इस तरीके से एक और एंगुलर ब्रश है, ये देख सकते हो आप। इसकी जो वो ब्रिसल्स है ना, वो इसकी ब्रिसल्स में उतनी क्वालिटी नहीं है, पर ये जो ब्रिसल्स है इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं, आप ले सकते हो, बहुत अच्छा ब्रश है ये। सबसे पहला ब्रश ये है, उसके बाद जो सेकंड ब्रश है ये कुछ इस तरीके का है। इसके जो ब्रिसल्स है बिल्कुल सॉफ्ट हैं और डेंस है, बिल्कुल निकलने वाले नहीं है। देखो मैं आपके सामने खींच रही हूँ, बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से ब्रशेस हैं। हाँ इससे आप पाउडर अप्लाई कर सकते हो, अपने अंडर आइज को सेट कर सकते हो, हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे पास पाउडर ब्रश नहीं था, मैं ख़रीदने वाली थी, तो इसमें अच्छा है ना अगर आप बिगनर हो लेना चाहते हो तो 700-750 में अगर आपको 10 ब्रशेस मिलते हैं तो क्या बुराई है ना। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले एक मैंने वेगा का ब्रश ख़रीदा था जो कि मुझे 100 रुपये का मिला था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने वेगा का ब्रश खरीदा था, आई ब्लेंडिंग ब्रश है ये, क्रीज एरिया पे आई ब्लेंडिंग ब्रश है इस तरीके से, ये मैंने 100 रुपये का खरीदा था। आप सोच सकते हो जब आपको 100 रुपये का एक अच्छी क्वालिटी का ब्रश मिल रहा है तो आप 750 में आपको 10 ब्रशेस मिल रहे हैं तो क्या बुराई है ना। तो अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो, लेना चाहते हो, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी क्योंकि मैं भी कुछ मेकअप वगैरह की वीडियोस डालती रहती हूँ तो मुझे भी चाहिए था। आप देख सकते हो ये थर्ड ब्रश है, ये भी कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, पाउडर लगा सकते हो, हाइलाइटर लगा सकते हो। डेंसिटी बहुत अच्छी है, डेंस है और निकल भी नहीं रहे ब्रशेस, सबसे पहली बात सॉफ्ट है, देख सकते हो कितने सॉफ्ट वाले ब्रशेस हैं ये फोकलोर के। ये तीसरा ब्रश है, अब चौथा दिखाती हूँ मैं आप सबको, ये है फोर्थ ब्रश, ये कुछ इस तरीके का फ्लैट ब्रश है। इससे आप अपने फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, कंसीलर को सेट कर सकते हो ना, तो यहाँ पे आप हाइलाइटर सेट कर सकते हो। तो ये है फोर्थ, अब चलते हैं फिफ्थ की तरफ। ये है फिफ्थ ब्रश, ये देख सकते हो कितना सॉफ्ट है ना, ये भी कुछ पाउडर ब्रश जैसा ही है, पाउडर बफ करने के लिए है ना इस तरह। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं करा है, पहले मैं क्या करूँगी इसको वॉश करूँगी, मैं आपको दिखाने के पर्पज़ से भी मैंने इसको ओपन नहीं करा था, पहले मैं इसको वॉश करूँगी उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। तो ये है फिफ्थ ब्रश, उसके बाद आती है बारी सिक्स्थ ब्रश की। ये देखिए ये फैन ब्रश है, पहले तो एक इसमें ऊपर से कवर जैसा था, उसके अंदर भी ये कुछ इस तरीके का एक मतलब अच्छे से पैकेजिंग थी। वैसे ये थोड़ा सा मुड़ गया है वो पाउच में रख के ना, आई थिंक उस वजह। और ये देखो कितना अच्छा बड़ा फैन ब्रश है ये, इससे आप अपने हाइलाइटर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ये सिक्स ब्रश है, सेवेंथ में ये देख सकते हो आप ब्लेंडिंग ब्रश है, ये इस तरीके का एक ब्लेंडिंग ब्रश दे रखा है, आप इससे क्रीज एरिया पे अपने आईज के मेकअप को ब्लेंड कर सकते हो, आई मेकअप को ब्लेंड कर सकते हो।
है ना, ये देख सकते हो। अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं पहले इसको वॉश करूँगी, मैं बार बार वही बोल रही हूँ। अब ये देखिए, ये सेवेंथ ब्रश है, उसके बाद ये एक फ्लैट ब्रश है, ये एक फ्लैट ब्रश है, इससे आप अपने कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे प्रिसाइजली यहाँ पे आप अच्छे से सेट कर सकते हो। ये एट ब्रश है, ये है नाइन, ये है नाइन्थ ब्रश, ये देख सकते हो। कुछ स्मजर ब्रश के तरीके है ये, इससे आप अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर सकते हो, काजल ब्लेंड कर सकते हो, आई शेडो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी जैसे काजल वगैरह ब्लेंड करना होता है ना, इससे आप ब्लेंड कर सकते हो। ये देख सकते हो, बड़ा अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया हो, क्वालिटी 750 रुपये है, ठीक ही होते हैं, ऐसा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है। उसके बाद लास्ट 10th ब्रश, जो सबसे लास्ट वाला जो ब्रश है, ये है कुछ इस तरीके का। तो ये भी वही है कि आप पाउडर अप्लाई कर सकते हो, हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, नोज को हाइलाइट कर सकते हो। तो इस तरीके का ये 10th 10वां ब्रश है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे जो मैंने ब्रशेस शेयर करी है फोकलियर के, बहुत मुझे तो बड़े पसंद आए ये वाले ब्रशेस, और मैं इसको अपने मेकअप वीडियोस में यूज़ करने वाली हूँ अपने। मतलब अगर आप 750 लगा के अगर आपको खरीदना चाहते हो, तो मेरे तरफ से तो ये वर्थ इट है, मुझे तो वर्थ इट लगा। आपको 700 रुपये में 10 ब्रशेस मिलते हैं, वो भी अच्छे से सॉफ्ट, डेंसिटी इनकी इतनी अच्छी है, ब्रिसल्स भी अच्छे हैं, तो क्या बुराई है ना। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसको आगे अपने ब्रश अपने वीडियोस में ट्राई करने वाली हूँ, इसके साथ कुछ ना कुछ मेकअप वीडियोस बनाती रहूंगी, फिर उसमें मैं ये वाले ब्रशेस यूज करने वाली हूँ। तो कैसी लगी आप सबको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।